इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। एक साहब ने रोटी ना खाने की कसम खाई है कि एक महीने तक रोटी नहीं खाएंगे। इस एक महीने के दौरान क्या वो बर्गर खा सकते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कसम खाई है कि रोटी नहीं खाएंगे? कसम खाने के बाद तमन्नाएं क्या परवान चढ़ी हैं कि बर्गर ही खाएंगे? अरे भाई, रोटी ना खाने की कसम खाई थी तो इसके अलावा आपको समोसे, ब्रेड पकौड़ा, कचौरी, छोटी मोटी चीज़ें भी बाज़ार में मिल जाती। रुचि सोया की तरह आपने तो बुलंदी इख्तियार कर ली, सीधा बर्गर ही खाएंगे। खैर, अगर कोई शख्स रोटी ना खाने की कसम खा ले और ऐसे इस दौरान अगर वो बर्गर खाना चाहे तो वो बर्गर खा के पेट भर सकता है और उसकी कसम बर्गर खाने से नहीं टूटेगी। इसी तरह ज़्यादा बुलंदी पे जाना चाहे तो पिज़्ज़ा वगैरह भी खा सकता है, मगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी कंटिन्यूटी करना, इसको लगातार इस्तेमाल करना, ये सेहत के लिए जो है नुकसानदेह होती है। तो कभी कदार ठीक है, इसके अलावा बाज़ार में दूसरी खाने पीने की चीज़ें हैं कि जिससे पेट भर सकता है, वगरना ये कि रोटी ना खाने की कसम खाई ही क्यों थी। और बर्गर वैसे भी रोटी के मुकाबले ज़्यादा महंगा पड़ेगा, मगर ये कि बर्गर कोई खाएगा तो उसकी कसम नहीं टूटेगी, तो बर्गर पिज़्ज़ा खा सकता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।